हेलो दोस्तों, सभी को क्यूरियोसिटी वर्ल्ड में स्वागत है। मैं हूं सनी और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की, कुछ डिजाइन ऑब्जेक्टिव के बारे में और कुछ डिजाइन फिलोसॉफीज के बारे में थोड़ा पढ़ने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा डिजाइन ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइन इज द अचीवमेंट ऑफ ए एक्सेप्टेबल प्रोबेबिलिटी दैट द स्ट्रक्चर विल परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी फॉर द इंटेंडेड पर्पस ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ विद एन एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ सेफ्टी। They should sustain all the load and deformation during the construction and use and have adequate resistance to accidental load and fire. तो ऑब्जेक्टिव यही है हमारा, अचीव वो स्ट्रक्चर परफॉर्म करे सेटिस्फैक्टरीली, जितना पूरा डिजाइन लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी लोड आता है वो लोड वो सह सके और उसमें कुछ डिग्री ऑफ सेफ्टी रहे। सो जितना भी लोड दे रहे हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ सेफ्टी उसको मेंटेन करते हैं और इसको जो वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अपने होल लाइफ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग यूज और कुछ भी एक्सीडेंटल रेजिस्टेंस लोड आ जाए वो ये सस्टेन कर सके, वो ये हमारा डिजाइन ऑब्जेक्टिव है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव से हम डिजाइन करते हैं। सो मेथड ऑफ डिजाइन क्या है, हम जो मेथड ऑफ डिजाइन यूज करने वाले हैं वो लिमिट स्टेट मेथड एज पर IS 800/2007। एंड जहाँ पे वो लिमिट स्टेट डिजाइन काम नहीं करता है वहाँ पे हम हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो डिजाइन है वो डिजाइन करने के लिए क्या क्या फोर्स, क्या क्या लोड आर्क और क्या क्या उसका इफेक्ट अकाउंट में आते हैं। सो हमारा जो लोड आते हैं वो है हमारा डेड लोड, फिर हमारा इम्पोज लोड, इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड, क्रेन लोड, स्नो लोड एक्सेट्रा। इसके बाद विंड लोड होता है, अर्थक्वेक लोड होता है, इरेक्शन लोड होता है, एक्सीडेंटल लोड सच एज दैट ऑफ ड्यू टू ब्लास्ट। फिर हमारा सेकेंडरी इफेक्ट ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर एक्सपेंशन जो होता है वो स्टील के स्टील बार्स ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज, उसको लेटरल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता रहता है। फिर डिफरेंशियल सेटलमेंट, डिफरेंट सेटलमेंट्स भी हो सकता है ऑफ द स्ट्रक्चर एज ए होल और ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इसेंट्रिक कनेक्शन। सो ये सब लोड्स कंसिडर करना पड़ता है ड्यूरिंग द डिजाइनिंग प्रोसेस। फिर हमारा कुछ लोड कॉम्बिनेशन भी आते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, डेड लोड कंबाइंड विद इम्पोज लोड, डेड लोड, इम्पोज लोड एंड विंड लोड भी होता है। कभी कभी डेड लोड एंड विंड लोड आते हैं, फिर डेड लोड एंड इरेक्शन लोड आते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमें डिजाइन जब करेंगे उसको कंसिडर करना पड़ता है। फिर हम देख लेते हैं हमारा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सो आइस कोड में कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मेंबर एंड इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मेंबर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रॉस सेक्शन शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्पेसिफाइड साइज ऑफ द मेंबर। सो हमारा जो क्रॉस सेक्शन होता है जैसे कि आई सेक्शन है, फिर हमारा एल सेक्शन है, पी सेक्शन है, ये सभी सेक्शंस का हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज हम उसके साइज से हम मेजर करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसको कितना रेजिस्ट कर सकता है, उसको साइज और डिफरेंट डायमेंशन से हम निकाल सकते हैं उसका प्रॉपर्टीज, और हम हमारा जो एक स्टील टेबल है उससे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वो जो ग्रॉस सेक्शन है तो ये तो हो गया। नेक्स्ट हमारा है इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मेंबर इज द पोर्शन ऑफ द ग्रॉस सेक्शन दैट इज इफेक्टिव इन रेजिस्टिंग द स्ट्रेसेस। ग्रॉस सेक्शन का जो पोर्शन हमारा इफेक्टिव होता है हमारा जो स्ट्रेस वो रेजिस्ट करने में, उसको ही हम इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्योंकि पूरा क्रॉस सेक्शन में सब पोर्शन ऑफ द एरिया वो इफेक्टिव नहीं रहता है हमारा जो स्ट्रेस है वो रेजिस्ट करने में। तो जो एरिया हमारा जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया क्रॉस सेक्शन का वो इफेक्टिव है हमारा स्ट्रेस रेजिस्ट करने में, वही सेक्शन हम इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। सो उसके बेसिस पर हमारा कुछ क्लासिफिकेशन हुआ है। सो क्या होता है, प्लेट एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सेक्शन में बकल लॉकली ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। हम जब कोई भी एक मेंबर को हम कंप्रेसिव स्ट्रेस देते हैं, जैसे कि ये अगर ये हमारा मेंबर है, इसको हम स्ट्रेस देते हैं, तो स्ट्रेस देने के बाद क्या होता है, ये ऐसे होने लगता है। स्ट्रेस देने के बाद ये बकल अप हो जाता है। सो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण होता है बकल अप लॉकली। बट बात ये है कि व्हेन हम प्लास्टिक एनालिसिस यूज करेंगे, जैसे कि हम ट्यूरियो स्ट्रक्चर में किया था प्लास्टिक एनालिसिस टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। सो द मेंबर शैल बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्लास्टिक हिंज। सो हमारा जो मेंबर है वो प्लास्टिक हिंज बनने में कैपेबल होना चाहिए। मतलब ये जो हमारा वो है, यहाँ पे एक प्लास्टिक हिंज बनना चाहिए, मतलब जब हम स्ट्रेस देंगे तो प्लास्टिक हिंज बनेगा, एंड विथ सफिशियंट
रोटेशन कैपेसिटी, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज बनेगा और ये रोटेशन, इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन, रोटेशन होने का कैपेसिटी होना चाहिए विदाउट बकलिंग, बकल नहीं होने से, बकल होने से अब क्या होता है, ये प्रॉब्लम, ये हमारा जो प्लास्टिक हिंज ये बनेगा नहीं। सो ये हम प्लास्टिक एनालिसिस में ये हिंज बनने से ही हम इसको फेलियर मैकेनिज्म से हमारा जो कितना बेंडिंग मोमेंट ये रेजिस्ट कर सकते हैं वो निकाल सकते हैं। सो टू एनेबल द रेजिस्टिवेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट रिक्वायर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फेलियर मैकेनिज्म, ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा जो इलास्ट्रिक एनालिसिस जब यूज़ करेंगे तभी हमारा जो मेंबर हो वो मेंबर इल स्ट्रेस तक आने से पहले, मतलब ये अगर मेंबर है और हम इसमें फोर्स दे रहे दोनों साइड से, स्ट्रेस दे रहे, सो ये स्ट्रेस देने से पहले ये बकल अप नहीं होना चाहिए जब तक ये इल स्ट्रेस तक ना पहुँच पाए। मतलब ये समझ लीजिए हम स्ट्रेस दे रहे FY, ये FY मतलब इल स्ट्रेस, अगर इल स्ट्रेस दे दिया और देने से पहले ही हमारा जो वो जो मेंबर है वो बकल अप हो जाए तो हम नहीं निकाल सकते, वहाँ से हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा हमारा वो निकालना, हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। सो ये इलास्टिक एनालिसिस में यूज़ होगा हमारा। सो नेक्स्ट हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ फोर क्लासेस ऑफ द सेक्शन आर डिफाइंड, सो अभी हमारा जो फोर क्या क्या क्लासेस है, जो हमारा क्रॉस सेक्शन का क्लासेस है वो हम देख लेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात मैं समझा देता हूँ, अगर ये हमारा क्रॉस सेक्शन, मतलब ये एक सेक्शन हुआ तो सेक्शन का ये एक पार्टिकुलर ये से क्रॉस सेक्शन है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का ये क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। सो हम जब इसमें हम हमारा स्ट्रेस देंगे तो पहले तो ये स्ट्रेस इतना तक आएगा, फिर स्ट्रेस इतना तक आएगा, मतलब ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, मतलब मिडिल में न्यूट्रल एक्सिस रहता है, न्यूट्रल एक्सिस में स्ट्रेस जीरो रहता है और जितना हम एक्सट्रीम में जाते हैं वो हमारा स्ट्रेस इंक्रीज होता रहता है। सो ये हमारा स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, फिर स्ट्रेस एक पार्टिकुलर तक यहाँ तक जाता है, ये हमारा इल स्ट्रेस है, मतलब ये इल स्ट्रेस है, यहाँ से और ज़्यादा नहीं, जितना भी तुम स्ट्रेस दे दो और ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, प्लास्टिक मोमेंट क्रिएट होने लगेगा, जैसे कि ये इल स्ट्रेस तक जाने, ये एक्सट्रीम तो इल स्ट्रेस तक जाएगा लेकिन इसके नीचे वाला जो पार्ट है पहले पे, इसके नीचे वाला पार्ट तो इल स्ट्रेस तक नहीं गया, तो अभी यहाँ पे जाने के बाद ये नीचे वाला पार्ट इल स्ट्रेस तक जाने लगेगा और ये जाते जाते जितना भी तुम स्ट्रेस दो ये पूरा जो न्यूट्रल एक्सिस में जो सेक्शन है वो सेक्शन इल स्ट्रेस तक चला जाएगा। सो इस स्टेट को हम बोलेंगे प्लास्टिक सेक्शन बोल सकते हैं, मतलब प्लास्टिक बिहेवियर यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम रेजिस्ट करते हैं, हम अगर फिर से और मोमेंट अप्लाई करते हैं, फिर ये जो ये जितना था ना, जितना मोमेंट ये रेजिस्ट कर रहा था, इससे कम रेजिस्ट करेगा, ये डिक्रीज करता रहेगा। जैसे कि इस ग्राफ में देख लीजिए, यहाँ पे हमारा रोटेशन दे रहा है और यहाँ पे मोमेंट कितना है वो देख रहा है। सो मोमेंट के कारण कितना रोटेशन हो रहा है वो देख रहा है। सो यहाँ तक तो स्टार्ट किया, पहले स्टार्ट करने के बाद ये जा रहा है, फिर एक पर्टिकुलर स्टेट में जाएगा, यहाँ पे हमारा जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम वो इल स्ट्रेस तक चला गया, लेकिन यहाँ पे ये जो सेक्शन है यहाँ पे हमारा इल स्ट्रेस तक नहीं गया, ये पार्ट इल स्ट्रेस तक नहीं गया, लेकिन ये पार्ट में यहाँ तक जब पहुँच गया तो एक्सट्रीम है सेक्शन का, एक्सट्रीम पार्ट, ये पार्ट ऊपर का और नीचे का पार्ट जो होता है वो हमारा इल स्ट्रेस तक चला गया। फिर हम फिर से और जो मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं वो रोटेशन तो हो रहा है, फिर हमारा इस सेक्शन में जाते जाते हमारा ये जो पार्ट है ये तो इल स्ट्रेस तक चला गया, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस का जो सेक्शन है, मतलब ये वाला सेक्शन, ये भी इल स्ट्रेस तक चला गया, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर फर्दर हम मोमेंट अप्लाई करेंगे तो ये जितना रेजिस्ट कर रहा था इससे कम रेजिस्ट करेगा, मतलब ये इस एंगल पर देखिए आप, और एंगल जा रहा है, जाने के बाद ये मोमेंट जितना रेजिस्ट कर रहा था उतना मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तभी जाके ये पॉइंट तक, ये पॉइंट सेक्शन में, इस पॉइंट में हमारा वो इस स्टेट में हमारा जो सेक्शन है वो हिंज बन जाएगा, जहाँ पे भी इसका वो हो रहा है, लोड गिर रहा है, वो उस पार्ट में हमारा हिंज बन जाएगा। मतलब हिंज तो बताया ना, जो मोमेंट नहीं रेजिस्ट कर सकता वही हिंज होता है, जैसे कि दरवाजा के हिंजेस होते हैं ना, दरवाजा के हिंजेस जिससे हम दरवाजा लगाया जाता है, सो दरवाजा के हिंजेस तो मोमेंट रेजिस्ट नहीं करता है ना, सो ऐसे ही हमारा जो सेक्शन है वो हिंज क्रिएट करेगा। सो इसको क्यों समझाया मैंने, अब देख लेते कि यहाँ पे चार
स्टेट होता है प्लास्टिक स्टेट, कॉम्पैक्ट स्टेट, सेमी कॉम्पैक्ट स्टेट, स्लेंडर स्टेट। ये प्लास्टिक स्टेट है जहाँ पे हिंज क्रिएट होता है, जहाँ पे हमारा जो दैट कैन डेवलप प्लास्टिक हिंज एंड रोटेशन कैपेसिटी भी है। यहाँ से जितना भी आप एंगल में रोटेट कर सको, करना चाहो कर सकते हैं वो फिर हमारा जो वो क्रॉस सेक्शन, कॉम्पैक्ट क्रॉस सेक्शन, कॉम्पैक्ट स्टेट में, ये स्टेट में, इस स्टेट में हमारा क्या होगा, ये तो प्लास्टिक स्टेट में चला गया लेकिन ये रोटेट नहीं हो सकता। इट इज इनएडिक्युएट इनएडिक्युएट प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी, इसका रोटेशन कैपेसिटी नहीं हो सकता। यहाँ पे जाने के बाद ही फेल हो जाता है हमारा जो वो है, फेल और बोल सकते हैं बकलिंग हो जाता है यहाँ पे जाने के बाद। नेक्स्ट हमारा जो कॉम्पैक्ट स्टेट है, कॉम्पैक्ट स्टेट में हमारा क्या, दिस कैन डेवलप, सॉरी सेमी कॉम्पैक्ट जो, इसका इसमें क्या होता है हमारा जो एक्सट्रीम फाइबर जो है, ये एक्सट्रीम साइड, ये एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन कैन रीच इल स्ट्रेस, ये इल स्ट्रेस तक चला गया, ये एक्सट्रीम फाइबर इल स्ट्रेस तक चला गया और बट कैनॉट डेवलप प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो प्लास्टिक मोमेंट मतलब सभी सेक्शन ऑफ द बीम वो इल स्ट्रेस तक चला गया, इसको हम प्लास्टिक मोमेंट कहते हैं, ये प्लास्टिक मोमेंट कहते हैं, लेकिन बाकी सब प्लास्टिक मोमेंट तक नहीं गया, प्लास्टिक मोमेंट तक नहीं गया बाकी सब सेक्शन। फिर हमारा जो बट कैन डेवलप बट कैनॉट डेवलप प्लास्टिक रिंज मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू लोकल बकलिंग। ये प्लास्टिक मोमेंट तक अगर जाना चाहे तो जाने से पहले ये बकल अप हो जाता है, बकलिंग क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है जो स्लेंडर, स्लेंडर स्टेट में हमारा जो होता है वो द एलिमेंट बकल लोकली, ये बकलिंग हो जाता है बिफोर रीचिंग द इल्डिंग इल स्ट्रेस, ये सेक्शन, ये इल स्ट्रेस तक जाने से पहले ही ये बकल अप हो जाता है, तो ये स्लेंडर सेक्शन होता है। सो हम चार टाइप का हमारा जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्रॉस सेक्शन देख लिया है, क्लॉसेस का देख लेते हैं जो लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइनिंग, लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। सो बेसिस ऑफ द सो अब हम देख लेते हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। सो पहले भी तो हम देख लिया है कि कैसे लिमिट स्टेट में सेम ही है डिजाइनिंग में हमारा जो होता है, डिजाइनिंग टू विथस्टैंड सेफली द ऑल लोड्स लाइकली टू एक्ट थ्रू आउट द लाइफ, वही है डिजाइन वैसे करना है कि सभी लोड्स पूरा थ्रू आउट द लाइफ वो विथस्टैंड कर सके। एंड सेटिस्फाई सर्विसेबिलिटी, पहला फैक्टर है लोड, सेकेंड फैक्टर है हमारा सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, सर्विसेबिलिटी मतलब डिफ्लेक्शन वाइब्रेशन ये सभी चीज़ें विथस्टैंड कर सके एंड नॉट कोलैप्स इन एक्सीडेंटल लोड, कोई भी एक्सीडेंटल लोड आने से कोलैप्स नहीं हो और एक्सप्लोशन और इम्पैक्ट ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन एरर टू एन एक्सटेंट नॉट ओरिजिनली एक्सपेक्टेड टू ओकर, यही बात है। द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलियर ऑकर इज कॉल्ड द लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट क्या है, वो जो लिमिट है एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी, मतलब सेफ लोड एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट जो होता है वो लोड बिफोर फेलियर, फेलियर होने से पहले वो लोड को, वो स्टेट ऑफ लोड को हम बोलते हैं लिमिट स्टेट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजाइन इज टू अचीव ए स्ट्रक्चर दैट विल नॉट, दैट विल नॉट बिकम अनफिट फॉर यूज विद एन एक्सेप्टेबल टारगेट रिलायबिलिटी। इन अदर वर्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लिमिट स्टेट बींग रीच्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम शुड बी लो, मतलब ये एक लिमिट स्टेट है, ये एक स्टेट है जिसका प्रोबेबिलिटी उस स्टेट में जाने का बहुत लो है, मतलब वो लोड हमारे स्ट्रक्चर में गिरने का बहुत लो प्रोबेबिलिटी है। इन जनरल द स्ट्रक्चर विल बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल लिमिट स्टेट एंड शैल नॉट बी चेक्ड फॉर अदर लिमिट स्टेट्स। सो ऐसा लिमिट स्टेट है जिसमें सबसे क्रिटिकल लिमिट स्टेट मतलब वो स्टेट में कभी ना जाए वो थ्रू आउट द लाइफ, वही स्टेट को हमारा लिमिट स्टेट कहते हैं। सो दो क्राइटेरिया है, सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी। सेफ्टी मतलब लोड आने से जो हमारा वो क्रिएट होता है, एक्सीडेंटल लोड से हमारा कोलैप्स होने का चांसेस रहता है। सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है हम देखेंगे यहाँ पे। सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया यह है डिफॉर्मेशंस, डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, रिपेयर डैमेज ड्यू टू फैटिक, फिर कॉरोशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये सभी स्टेट सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया। सो लिमिट स्टेट क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ डिजाइन इज द स्टेट बियॉन्ड विच द स्ट्रक्चर नो लॉन्गर सेटिस्फाइड द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड। क्या क्या परफॉर्मेंस, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। वो स्टेट क्रॉस करने के बाद हमारा लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ क्लासिफाइड, सो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी अगर क्रॉस कर लेता है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारा परफॉर्मेंस के लायक नहीं रहता, मतलब रिक्वायर्ड कोलैप्स कर देता है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसको यूजेबल नहीं रहता है। सो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ आर दोज एसोसिएटेड विद फेलियर और इमिनेंट फेलियर अंडर द एक्शन ऑफ प्रोबेबल और मोस्ट अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड ऑन स्ट्रक्चर। सो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ आर दोज एसोसिएटेड विद फेलियर और इमिनेंट फेलियर अंडर द एक्शन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एंड अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लोड ऑन द स्ट्रक्चर। अगर लिमिट स्टेट एक पर्टिकुलर लोड कॉम्बिनेशन में अगर उस स्ट्रक्चर में लोड आए तो उस स्टेट तक चला जाए तो ये फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
वो स्टेट में. सो फेलियर मतलब कोलैप्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी. द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी इंक्लूड डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, रिपेयरेबल डैमेज ड्यू टू फैटिग, करप्शन एंड ड्यूरेबिलिटी. मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हमारा जो डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू अगर होता है तो उसके उससे उससे हमारा स्ट्रक्चर को इफेक्ट के चांसेस, फिर वाइब्रेशन से इफेक्ट के चांसेस, फिर रिपेयर एंड डैमेज के इफेक्ट के चांसेस, डैमेज होने से जो ड्यू टू फैटिग होता है इफेक्ट, फिर करोशन एंड ड्यूरेबिलिटी से जो इफेक्ट आता है वो हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी होता है. सो द मोस्ट इनोवेशन इन लिमिट स्टेट मेथड इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर. पहले तो हमारे वर्किंग लोड स्टेट, वर्किंग लोड मेथड में हमारा क्या था, सेफ्टी फैक्टर सेफ था. फिर इसमें हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम विच स्पेशली स्प्लिट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू टू फैक्टर. दो फैक्टर में स्प्लिट किया गया, एक मटेरियल के लिए है और एक लोड के लिए है. सो इन अकॉर्डिंग टू द इन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द सेफ्टी फैक्टर यूज इन द लिमिट स्टेट कोर्स इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबल मैक्सिमम लोड एंड प्रोबेबल मिनिमम स्ट्रेंथ सो दैट ए कंसिस्टेंट लेवल ऑफ सेफ्टी इज अचीव्ड. सो दो सेफ्टी फैक्टर रहने से एक मतलब एक मटेरियल के लिए होगा. सो यहाँ पे दो फैक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, वन फॉर द मटेरियल एंड वन फॉर द लोड. इसका कारण ये है कि अगर मटेरियल में अगर खराबी हुआ, मतलब अगर जो हमारा मेंबर्स है, मेंबर्स जो होता है, मेंबर्स जो हमारा स्टील मेंबर्स है उसमें अगर कुछ खराबी हुआ ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, सो इसका भी चांसेस है, इसके कारण भी हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है. सो इसमें इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उससे उसको हम डिवाइड करते हैं कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से. मतलब इसका अगर खराबी भी होगा फिर भी अगर वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेगा तो करने से इसका जो जितना वो सह सकता है लोड उससे कम हम लेते हैं उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी. फिर हमारा जो स्ट्रक्चर बना है वो लोड बना है, कभी कभी उस अभी लोड के ऊपर क्यों हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं कि अगर हमें लोड देना है 10 किलो न्यूटन का और स्ट्रक्चर बना लिया है हम लोड 10 किलो न्यूटन का देना है तो हम जो स्ट्रक्चर बनाने का कैपेसिटी बनाएंगे सो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है सो 1.5 होने से हमारा जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उससे ऐसे बनाएंगे कि 15 किलो न्यूटन तक ये ले सके ताकि गलती से अगर 15 किलो न्यूटन भी आ जाए तो भी कुछ ना हो. सो ये एक लोड के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालते हैं और एक मटेरियल के ऊपर, क्योंकि मटेरियल के लोड कैरिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट हो सकता है, जितना हमें बोलता है उससे कम भी हो सकता है उसका कैपेसिटी, और जितना लोड देने का इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे उससे ज़्यादा भी गिर सकता है कभी कभी लोड. सो उसके ऊपर भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालते हैं. सो ये थोड़ा वो है कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज लोड और स्ट्रेंथ आर द वैल्यूज दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एक्सीडेड विद मोर देन 5% प्रोबेबिलिटी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर. मतलब ये अगर एक मेंबर है इसको इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है इसका अगर उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो ऐसे अगर 100 मेंबर बनाएंगे और इसका अगर इल स्ट्रेस हम देख लेते कि ले लेते FY तो 100 मेंबर बनाने के बाद कि 100 मेंबर बनाने के बाद अगर हमें पता है कि इल स्ट्रेस ऑफ दिस मेंबर्स आर FY तो ऐसे में हमारा 5 या 5 से कम ऐसे हमारा वो मेंबर्स निकलेगा जिसका इल स्ट्रेस FY से कम होगा. तो वही है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. सो इसका मतलब यह है कि हमारा जो 95% ऑफ द मेंबर्स हमारा जो स्टील मेंबर्स है स्टील बार से विल बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इल स्ट्रेस और ऐसे 5% से ही कम वाला मेंबर जो डिफेक्टिव मिलेगा जो इल स्ट्रेस तक नहीं जा सकता. तो वही है हमारा इल्स कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो मतलब हम जो निकालेंगे अगर ये स्ट्रेंथ हुआ और स्ट्रेंथ निकालना है तो हमें वाई एम हमारा होता है जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है और ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना है हमारा, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से हमारा जो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा जो स्ट्रेंथ है जितना स्ट्रेंथ हमारा मेंबर का है वो निकल जाएगा. बोथ द पार्शियल फैक्टर्स ऑफ लोड एंड मटेरियल आर डिटरमाइंड ऑन ए प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी. इट शुड बी नोटेड दैट YF makes allowance of possible deviation of load and also the reduced possibility of all load acting together. And on the other hand, YM allows the uncertainties of the element behavior and the possible strength reduction due to the manufacturing tolerance and imperfection in the materials. So, मैंने जो बताया वही है. वो हमारा YF क्या करता है? ये YF हमारा है. YM है हमारा material safety factor and YF है हमारा load safety factor. So, load का एक safety factor होता है जिसको हम YF कहते हैं. सॉरी वाई बोल रहा हूँ मैं, वाई नहीं, गामा एफ एंड गामा एम. सो सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोल सकते हैं वाई ए सॉरी गामा एफ एंड गामा एम को. सो
गामा एफ देखता है कि पार्शियल पॉसिबल डेविएशन ऑफ लोड फ्रॉम द जितना लोड कैरिंग के जितना लोड देना चाहिए था उससे कितना डेविएशन होता है हमारा जो लोड गिरता है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में. सो नेक्स्ट हमारा जो गामा एम देता है वो गामा एम देता है हमारा एलिमेंट बिहेवियर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेंथ रिडक्शन मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस और इम्परफेक्शन का कारण जो हमारा जो मेंबर का जो उसका जो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है स्ट्रेंथ कभी कभी. सो इस पे इसका भी इसके ऊपर भी हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डालते हैं. सो गामा एफ का डिफरेंट डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन ऑफ लोड का भी डिफरेंट डिफरेंट हमारा लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के लिए क्या क्या हमारा गामा एफ का वैल्यूज है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू आवर हाइस कोड. एंड नेक्स्ट हमारा जो है गामा एम इसका इसका क्या क्या वैल्यू है हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ड्यू टू मटेरियल वो देख लेते हैं. आफ्टर चेकिंग द स्ट्रक्चर सो आफ्टर चेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ द स्ट्रक्चर इज चेक्ड फॉर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस. ये सब चीज़ें जो इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ ये इतना थोड़ा नहीं करना है ये ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है. आप मैंने तो यहाँ पे सब लिखा ही है आप पढ़ सकते हैं. मैंने इतना डेप्थ नहीं गया इस वीडियो में इतना अच्छे से नहीं दिखाया जितना हो सके ऊपर ऊपर तक मैंने दिखाया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से वो वाला जो जो पार्ट है वो अच्छे से मैं समझाऊंगा. इस वीडियो में इतना अच्छे से नहीं समझाया क्योंकि समझाने वाला कोई बात ही नहीं है यहाँ पे सब थ्योरी है आप पढ़ के भी समझ सकते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है वही है और इतना समझाने वाले बात नहीं है. सो इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ. हमारी वीडियोस देखते रहिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.